नमस्कार, स्वागत है आपका इंडिया न्यूज 28 में। आइए बात करते हैं उत्तर प्रदेश की कुछ खास खबरों की। बरेली उत्तर प्रदेश में जग सम्मान के लिए भाई ही बन गए बहन के हत्यारे, दिन दहाड़े उतार दिया मौत के घाट। बरेली में आज दो सगे भाइयों ने अपनी बहन को मौत के घाट उतार दिया। सनसनीखेज वारदात बरेली के सीबीगंज थाना क्षेत्र के गोविंदापुर की है। बहन का कसूर सिर्फ इतना था कि वो दूसरे धर्म के लड़के से मोहब्बत करती थी और उसी के साथ चली गई थी। पुलिस ने दोनों भाइयों को गिरफ्तार कर लिया है। वो भाई हैं जिन पर उसकी सुरक्षा की जिम्मेदारी थी। मुस्कान को सिर्फ एक हिंदू धर्म के लड़के से मोहब्बत हो गई थी, जिसके बाद वो उस लड़के के साथ हिमाचल प्रदेश चली गई थी। पुलिस ने कल उसे बरामद कर बिना कोर्ट में बयान कराए उसकी मां के सुपुत्र कर दिया। इस मामले में एसपी सिटी रविंद्र कुमार का कहना है कि मां की तहरीर पर मुस्कान के दोनों भाइयों के खिलाफ हत्या का मुकदमा दर्ज किया है। मुस्कान के शव को पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया गया है और उसके दोनों भाइयों को गिरफ्तार कर लिया गया। बरेली संवाददाता कमर बेग की रिपोर्ट। क्या मामला है और पुलिस की तरफ से क्या एक्शन लिया जा रहा है? ये थाना सीबीगंज अंतर्गत एक गोविंदापुर गांव है, जिसमें एक जो मृतका है उसका नाम मुस्कान है, उसकी उम्र लगभग 17 साल है। आज सवेरे इसके दो भाइयों ने जो चरपाई होता उसके पाया से सर पे वार किया, जिसके चलते वो मूर्छित हो गई और उसके बाद में उसकी मृत्यु हो गई। बॉडी को पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया गया है। पोस्टमार्टम के बाद में जो भी तथ्य सामने आएंगे कि कॉज ऑफ डेथ क्या है, और फिलहाल जो इसकी मदर हैं, मदर वादी बनी हैं और उन्होंने तहरीर दिया है। तहरीर के आधार पर थाना सीबीगंज पे 302 IPC के अंतर्गत मुकदमा पंजीकृत कर लिया गया है। इसमें उन्होंने दो नामजद कराए हैं, दोनों उनके बेटे हैं, जिनका नाम आरिफ और तामिल है। दोनों को सीबीगंज के जंगलों से गिरफ्तार कर लिया गया है। दोनों को जेल भेजा जा रहा है। अग्रिम कार्रवाई पोस्टमार्टम रिपोर्ट आने के बाद में जो भी होगी वैधानिक कार्रवाई की जाएगी।